अभी पहलवाना गिलवाना से बारीक बारीक सारे चुके टैंक थे यहाँ जो पूरा लड़ने की ताकत भी नहीं है, क्या कर सकते हैं आपको? मैं अकेला घर को मैं सेफ में रखो रूम जो सब निम्न जो ना विद्यवी ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಜೋ ಜೋ ಇನ್ಸಾಫ್ ದಿಲಾನಾ ಹೇ ವೋ ಜರೂರ್ ದಿಲಾಯೆಂಗೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್. ಸುನೋ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾ ಚೆಕ್ ಹೇ ಯೇ ಅಬ್ ಹಮಾರಾ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಪಠಾನ್ ಸಾಹಬ್ ಕಾ ತರಫ್ ಸೇ ಮೈ ದೇಖೂಂ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. जो गवर्नमेंट से क्या कराना है, दूसरे क्या काम कराना है वो हमें करा दीजिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. जो मंडिया डिस्ट्रिक्ट नागमंगल में 3 दिन पहले एक गणेशोत्सव का नाम पे एक जो हादसा हुआ, वो रैली के शक्ल में वो लोग आके या अल्लाह मस्जिद के पास जो 10 मिनट से ज्यादा डीजे डाल के जो गलाटा कर रहे थे, थोड़ा उधर मुसलमान नौजवान इनका बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ, उसके बाद पुलिस उधर डिस्पर्स करे, उसके बाद पूरे ये जो आरएसएस बजरंग दल के गुंडों ने जो प्री प्लान्ड करके एक साजिश के तहत मुसलमानों का दुकानों को जलाए हैं. ये आज हमने एसटीपी का डेलीगेट्स हम मैसूर से जाके उधर विजिट करें, एक एक घर का भी एक एक दुकान का भी एक स्टोरी है. यानी कि इसमें पुलिस का मौजूदगी में पुलिस स्टेशन का एकदम सामने 15-20 मीटर का सामने भी जलाकर हैं, दुकानों को जलाकर हैं. तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लान्ड है, कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी के साथ ही ये किया गया है. पुलिस का कंप्लीट फेल्यूर इसमें दिख लेकर है. तो हम जो लोगों को जो कॉन्फिडेंस देना था, हिम्मत अफजाई करना था, वो तो करे हैं. और दूसरा आकर बहुत सारे बेकसूर लोगों को जो उस दिन रात को घरों को घुसकर रात को लोगों को पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर इवन लेडीज रहने के बावजूद भी वहां घुसकर उधर इनोसेंट्स को जो अरेस्ट किया है, ये तमाम चीजें हम खुद एक एक घर में भी जाके उनके जो दुख भर कहानी हम लोग सुने हैं और उनको जो भी कॉन्फिडेंस देना है, हिम्मत अफजाई करना है हम लोग करे हैं. तो मैं जिम्मेदारों से जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो MLAs हैं, ये सीरियसली ये इश्यू को लेना है. पुलिस का बहुत बड़ा लैप्सस है, पुलिस खड़के पुलिस का सामने दुकानों को जलाया है, टोटली फेल्यूर है पुलिस जो सिस्टम का. तो इसलिए हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये डिमांड करते हैं, ये जुडिशियल एक प्रोब होना चाहिए. कर्नाटक के जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं, जिम्मेदार हैं, MLAs हैं, MLC से तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूं, ये जो मामले को हम लोग वेरी सीरियसली लेना है. एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, ये गवर्नमेंट को भी बदनाम करने का और कोशिश है और मुसलमानों को इसमें टार्निश करने का कोशिश की. हालांकि सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों के ऊपर होकर है, मुसलमान का जो दुकानें जलकर है, मुसलमान का जो बड़ा नुकसान होकर है, मुसलमान नौजवानों को बेकसूर लोगों का अरेस्ट किया गया, मगर मीडिया ये दिखाती है कि मुसलमानों से ही हुआ है. ये एक बड़ा एक साजिश है, इसको हम लोग पहचानना है, इसका एक फैक्ट फाइंडिंग होना है. माइनॉरिटी कमीशन जो है इमीडिएटली इधर विजिट करके एक ओपन अदालत करना है और सीरियसली जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम MLAs से रिप्रेजेंटेशन है, तमाम लोग का ये डिमांड करना है, इसका एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए. बहुत ही लैप्सस पुलिस डिपार्टमेंट का होकर है. आप समझो पुलिस स्टेशन के 20 मीटर्स में ये बहुत सारे दुकानों को जलाया जाता है, बोले तो इधर सेफ्टी किधर है, पुलिस से सिस्टम किधर है? तो ये तमाम चीजें आप इसमें बहुत सारे जो हम विजिट किए आप लाइव दे सकते हैं. और एक बार पूरे कर्नाटक के जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी लीडर्स हैं, MLAs हैं, MPs हैं, तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूं ये सब्जेक्ट को सीरियस लीजिए. ये एक साजिश का तहत हो चुका है, इसका एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए.